अच्छा अब इसमें मैं लगा देता हूँ जी लॉगिन, साइन अप, एपीआई, इंटीग्रेशन। अच्छा इसके अंदर इसको नाइन भी करना था। इसके अंदर मैं जस्ट क्या करूँगा कि जो हम प्लेन एचटीएमएल में ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं है ना, कि साइन अप का पेज होता था, साइन अप के पेज से मैं रिक्वेस्ट मारता था, वो सामने से जवाब देता था मुझे, तो ये वाला काम मैं उसके अंदर ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्या करना है, वो फॉर्म पूरा का पूरा दोबारा बनाना है। इट्स जस्ट अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, नथिंग एल्स। तो मैं जाता हूँ लॉगिन के पेज के ऊपर, पहले तो साइनअप पे चला जाता हूँ ना, साइनअप का काम ज़रा ईजी होता है, तो पहले साइनअप वाला काम कर लेते हैं। अच्छा साइनअप के ऊपर मेरे पास क्या होगा जी, एक अदद क्या होगा, फॉर्म होगा। अच्छा वो फॉर्म मोर और लेस क्या होगा, वही वाला होगा जो मैं एचटीएमएल के अंदर लगा चुका था। तो स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचाऊँ और एचटीएमएल वाले से एटलीस्ट मैं वो कॉपी कर लाऊँ ना, वो पूरा का पूरा फॉर्म जो साइन अप वाला फॉर्म है मेरा। कहाँ है जी वो, सर्वर में है, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन ये वाला है ना। अच्छा इसके मैं पब्लिक में जाके ना ज़रा ये, अच्छा इसमें साइन अप मैंने बनाया ही नहीं है क्या, डायरेक्ट लॉगिन मारा है मैंने, लेवल तो फिर मेरा भी पूरा है। अच्छा, चलो लॉगिन का फॉर्म तो छापें पहले, लॉगिन का फॉर्म पहले छाप लेते हैं। और बोलो, एक्चुअली फॉर्म तो दोनों में एक ही जैसा होता है, थोड़ी सी एक दो फील्ड एक्स्ट्रा होता है, दैट्स इट। अब ये किस खुशी में एरर आया है, बिल्कुल ही वो वाला काम किया हुआ है मैंने इसमें, हाँ प्लेन एचटीएमएल में। हाँ सेट हो गया भाई, सेट हो गया भाई, मुबारक हो। ठीक है, यही काम एक्चुअली लॉगिन में भी हो रहा होता है और यही काम मोर और लेस साइनअप में भी हो रहा होता है। तो ये काम मैं लॉगिन पे भी ये हाथ के हाथ में चिपका देता हूँ, सही है, लॉगिन पे भी मैंने चिपका दिया ये। अच्छा जी साइनअप के लिए मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि जी ईमेल के साथ पासवर्ड भी लेना है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी चलो ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि जी फर्स्ट नेम इनपुट, ठीक है फर्स्ट नेम इनपुट हो गया, टाइप इसकी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है जी, मैंने कहा लास्ट नेम इनपुट, सही है लास्ट नेम इनपुट, इसकी भी टाइप मैं कर देता हूँ टेक्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, उसके बाद जी मेरे पास क्या ईमेल इनपुट, उसके बाद पासवर्ड इनपुट है। पासवर्ड में मुझे दो इनपुट लेना चाहिए एक्चुअली, सही है, एक पासवर्ड और एक रिपीट पासवर्ड, तो मैं दो ले लेता हूँ। रिपीट पासवर्ड इनपुट, ठीक है। और एक सबमिट का बटन है मेरे पास और इसके ऊपर साइन अप लिखा हुआ है। सब लोगों की तवज्जो है इधर, देख लेते हैं ये स्क्रीन पे मुझे ये फॉर्म कैसा दिख रहा है। साइन अप पे मैं गया तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तीन तीन ईमेल आ जाओ, उसको भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर लेते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड। रिपीट पासवर्ड, ठीक हो गया जी, मेरा साइनअप का यूआई कंप्लीट हो गई। अब इसमें स्टाइलिंग में स्टाइलिंग लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम स्टाइलिंग को छोड़ते हैं और हम फंक्शनैलिटी पे तवज्जो देते हैं। हाँ भाई क्या टेंशन है, मारना नहीं। मारना नहीं, मारना नहीं। एमरजेंसी तो नहीं है, कोई खैरियत है ना सब। अच्छा गॉस की क्लास की, तीनों पॉइंटर है भाई, अरे वोनी वोनी बांध के फुल राम जाने है भाई ये।
अच्छा यार ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक अदद फंक्शन बना देना है जो इसके सबमिट पे चले। तो मैंने कहा कि जी ऑन सबमिट और साइन अप सबमिट हैंडलर, ठीक है, नाम मेरा ज़रा डिस्क्रिप्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने कहा कि जी कौन साइन अप सबमिट हैंडलर इक्वल्स टू अ फंक्शन, और इसके अंदर मुझे मिलेगा एक अदद इवेंट, ठीक है, इस इवेंट को मैं करा दूंगा प्रीवेंट डिफॉल्ट, ठीक है जी। और उसके बाद मैंने क्या करना है, उसके बाद यार मुझे वो भी तो चाहिए, इसके मैं इनपुट को जो उठाऊंगा एक एक करके उसके लिए इनपुट रेफ भी तो चाहिए मुझे। तो मैं यार बनाऊंगा यहाँ पे कैसे बनाता था यार मैं इनपुट रेफ, होम पे किया हुआ है ना मैंने ये काम, ऐसे बनाता था, ये रहा आ गया। तो मैं ऐसे क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक रेफ बना लिया मैंने, सबसे पहला रेफ क्या होगा, फर्स्ट नेम इनपुट रेफ, सही है, फर्स्ट नेम इनपुट रेफ, लास्ट नेम इनपुट रेफ, ईमेल इनपुट रेफ, पासवर्ड रिपीट पासवर्ड, ये पांच हो गए। अच्छा यूज़ रेफ को मुझे वो भी तो करना पड़ेगा, यूज़ रेफ को मुझे इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा ना, ठीक है, ये लो यूज़ रेफ को मैंने क्या कर लिया, इम्पोर्ट भी कर लिया, ठीक है, यूज रेफ ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा फर्स्ट नेम इनपुट हो गया, उसके बाद लास्ट नेम इनपुट रेफ होगा, सही है, उसके बाद ईमेल इनपुट रेफ होगा, और उसके बाद क्या होगा जी मेरे पास, पासवर्ड इनपुट रेफ, रिपीट पासवर्ड इनपुट रेफ, सही है, ये सारा कुछ सेटमेंट हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा इन सबको अब मैंने क्या करना है, इसके साथ अटैच भी करना है ऑब्वियसली, तो ये मैं अटैच जल्दी से करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। और ये जहाँ जहाँ पे इनपुट है मुझे इनके साथ अटैच करना है ना इसको, अभी भेज देता हूँ, सही है भाई, ठीक हो गया, सारे इनपुट रेफ को मैंने इनपुट रेफ के साथ अटैच मार दिया, इस तरह के जादू करने के बाद ना एक नज़र भी मारनी पड़ती है कि कहीं और इधर नहीं घुसा दिया उसने। अच्छा अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे ये चारों वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरह अवेलेबल हो जाएगी, राइट, इस तरह अवेलेबल हो जाएगी। तो मैंने क्या करना है, मैंने एक एग्जियोस की रिक्वेस्ट तैयार करनी है, मैंने कहा कि जी एग्जियोस डॉट पोस्ट, ठीक है, एक अदद मेरा URL होगा, अब वो URL क्या होगा अभी देखते हैं, सही है, बेस URL होगा एक्चुअली मेरा वो, बेस URL इक्वल्स टू 5001 है मेरा एक्चुअली, सही है। तो मैंने कहा कि जी मेरे पास होगा एक अदद बेस URL स्लैश साइन अप, और उसके बाद मेरे पास होगा एक अदद ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोस्ट की रिक्वेस्ट में इसी तरह होता है ना, ऐसे ऑब्जेक्ट डाल रहा होता हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे ये चारों के चारों आइटम ऐसे रखवा दूंगा, क्यों नहीं रखवा रहे ऐसे आइटम, नहीं मुझे असल में इस नाम से नहीं भेजना ना, मुझे किस नाम से भेजना है ये भी तो मैटर करता है, मैं ज़रा सर्वर पे जाके देखता हूँ ना किस नाम से मैंने पकड़ा हुआ है, जिस नाम से सर्वर पे एक्सेप्ट किया हुआ है मैं उसी नाम से यहाँ भेजूंगा ना, राइट, किधर होगा मेरे, ये राउट्स में होगा ना, ये रहा राउट्स ऑथ राउट्स, अरे ये क्या इसमें तो लॉगिन है ही नहीं, कहाँ गया लॉगिन मेरा, नहीं नहीं लॉगिन मैंने बनाया हुआ था, वो मेरा ख्याल है वो कॉपी मैंने किसी और में से मारा है ना, बीच में कहीं वो मिस हो गया है, अम यम 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 यम, ये वाले में शायद मैंने मारा हुआ था ना, अबे ये क्या सीन है, कहाँ चला गया मेरा लॉगिन, अच्छा ये किया हुआ है भाई, ये रहा एक्सप्रेस स्टैटिक होस्टिंग वाले के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। तो मैं इस पूरे को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मेरे जो अभी वाला जो है उसके अंदर मैं
मैं इसको लागे लगा देता हूँ, है ना। अब इसमें हो सकता है ये एक दो लाइब्रेरीज भी मिसिंग हो, ये मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब कौन सी लाइब्रेरी मिसिंग है इसमें, चलो सारी इंस्टॉल मार देते हैं। एक npm i mongodb स्पेस json web token स्पेस bigcryptng, ठीक है। इसके साथ यार sudo भी लगा दें, सही है। तो ये लॉगिन की APIs मैंने वो असल में दरमियान में मैंने कौन से, मैं करड ऑपरेशन में मैंने करा कहा था कि जी वो टू कीप इट सिंपल मैं वो लॉगिन वाले को ज़रा हटा रहा हूँ ना, तो इसलिए वो लॉगिन वहाँ पे से मिस हो गया था मेरा, तो मैं उस लॉगिन का वाले को वापस लेकर आ जाता हूँ अभी। अच्छा मुझे एक काम इसमें और भी करना है, वो जो मेरा वो लगा हुआ था ना, वो जो मेरे पास इसमें जो वो लगा हुआ है बैरियर, लॉगिन का एक बैरियर भी तो था ना ये वाला पार्ट, तो ये भी मुझे वहाँ से उठाना पड़ेगा ऑब्वियसली। आज हम वहाँ से उठा लेते हैं, रिएक्ट सर्वर, और सर्वर में ये मैंने पूरा तैयार किया हुआ था ना माल, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लगाई हुई थी, अच्छा लॉजिक एक्चुअली लगाई तो नहीं थी लेकिन वो अभी लगा लेंगे हम थोड़ी सी। जस्ट यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ था कि टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला हुआ था कि यार टोकन जस्ट मिल रहा है तो आगे जाने दो, लेकिन एक्चुअली हम क्या करेंगे उसकी एक्सपायरी वेक्सपायरी पे ज़रा प्रॉपर एक लॉजिक लगा लेंगे, तो वो भी हम लगा लेते हैं। तो मेरे सर्वर में आता हूँ मैं अभी वाले सर्वर में, और ये वाला पार्ट जो मैंने बीच में मिस करा दिया था तो वो भी इसको मैं वापस ले आता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये वाला पार्ट किस बंदे को समझ आएगा, जिसने वो JWT ऑथेंटिकेशन वाली क्लास प्रॉपर सही तरीके से ली थी और उसको इस्तेमाल भी करके देखा था, अपने हाथ से चला के देखा था। अदरवाइज़ तो ये हम अब रिएक्ट को कवर कर रहे हैं, अब JWT में अंदर क्या हो रहा है उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम नहीं कर सकते इस पॉइंट पे ना, क्योंकि वो हमने डिस्कस किया हुआ है कि JWT क्या होता है, टोकन क्या होता है, सिग्नेचर क्या होता है, जो वेरीफाई करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, टोकन बनता कैसे है, टोकन के अंदर क्या मौजूद होता है, क्या चीज़ सिक्योर है क्या चीज़ अनसिक्योर है टोकन के अंदर। तो ये लंबी डिस्कशन थी, दो दो घंटे की दो क्लासेज हमने की थी इसके ऊपर, तो सारी ये नॉलेज उसके अंदर मौजूद है वीडियो के अंदर। अच्छा जी, तो मैं वेल क्या देखने आया था सर्वर पे, मैं सर्वर पे ये देखने आया था कि इसके पैरामीटर्स क्या हैं मेरे ये पैरामीटर्स हैं मेरे, ये मेरे पैरामीटर्स हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और, ठीक है। तो मैं यही वाले पैरामीटर यहाँ साइनअप के पेज से इसको भेज देता हूँ, ठीक है, यही वाले। अच्छा मेरे पास पासवर्ड में ना एक है मेरे पास पासवर्ड इनपुट और एक है रिपीट पासवर्ड इनपुट। अच्छा रिपीट पासवर्ड इनपुट ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं भेजूंगा, बट मैं क्या करूँगा यहीं पे सम हाउ इसको ना एक लॉजिक लगा लूँगा कि जी वो जो है ना पासवर्ड रेफ जो है वो क्या हो रिपीट पासवर्ड से मैच करता हो, डॉट करंट डॉट वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स हो किसके हो रिपीट पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू के इक्वल हो, ठीक है। इसको अगर मैं ब्रेक कर पाऊँ दो लाइनों में, कर पाऊँगा मैं ब्रेक इसको, सीधा ही हो रहा है ये, चलो नो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे एक इफ़ की स्टेटमेंट लगा दी है ना, जो मेरा साइनअप हैंडलर चलता है तो उसमें बोलता हूँ कि इफ़ पासवर्ड इनपुट जो है वो रिपीट पासवर्ड वाले इनपुट के बिल्कुल इक्वल हो ना तो तभी आगे जाने दो आप, अदरवाइज़ उसको रिटर्न करवाना है मैंने, है ना। तो अब क्या करूँ मैं, इस कंडीशन सही कंडीशन लगी हुई है, मैंने रिटर्न करवाना है ना इसके अंदर, तो मैं करूँगा कि नॉट इक्वल पर रिटर्न करवा दूँ, यही बोलूँगा ना मैं। ये समझ आया सब लोगों को मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पासवर्ड इनपुट रेफ अगर नॉट इक्वल टू हो रिपीट पासवर्ड इनपुट रेफ के, यानी दो इनपुट फील्ड्स जो हैं, है ना, नॉट इक्वल पे मैंने इसको क्या करवा दिया रिटर्न करवा दिया। इसका मतलब है ये फंक्शन यहाँ से आगे नहीं चलेगा, और रिटर्न करवाने से पहले मैं क्या कर देता हूँ एक अलर्ट जारी कर देता हूँ। अच्छा वैसे इसके लिए अलर्ट जारी नहीं करना चाहिए मुझे, इसके लिए असूलन मुझे क्या करना चाहिए कि स्क्रीन पे वो उसी पासवर्ड इनपुट के नीचे जो है ना एक लाइन लिखी हुई आ रही हो, है ना, कि पासवर्ड इनपुट डजंट मैच और इस तरह करके लिखा हुआ आ रहा हूँ, है ना, तो वो बनाना चाहिए मुझे असूलन। तो बल्कि वही बना लेते हैं ना, टाइम बचाने की क्या ज़रूरत है, टाइम है ना हमारे पास, अभी तो है आधा घंटा है हमारे पास, तो साइनअप तो कंप्लीट हम एटलीस्ट कर ही लेंगे इस आधे घंटे में, तो टाइम थोड़ा सा यार इतना भी नहीं बचाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं मेहनत। अच्छा तो ये जो पासवर्ड है ना रिपीट पासवर्ड के नीचे मैं क्या कर लेता हूँ एक अदद यहाँ पे बना देता हूँ मैं पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे देता हूँ क्या कि ये क्या है
आपका जो कुछ इसने सजेस्ट किया था, पासवर्ड एरर। सही है, चलो पासवर्ड एरर दे दिया मैंने उसको। इसने जो सजेस्ट किया ना मेरे ऑटो करेक्ट ने, उसने मैंने वो लगा दिया। ठीक है, पासवर्ड डू नॉट मैच मैंने लिख दिया है। अच्छा, पासवर्ड डू नॉट मैच, अब मुझे किस कलर में दिखना चाहिए? ओए तेरी खैर, एक्जियोस भी इंस्टॉल नहीं है एक्चुअली। एक्जियोस मेरे पास फ्रंट एंड पे इंस्टॉल नहीं है, तो मैं npm i एक्जियोस कर लेता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर अपने, और दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा तो जी ये मेरे पास जो पासवर्ड डोंट मैच जो है, ये क्या हुआ है? अच्छा, वो ऊपर एक्जियोस को इम्पोर्ट नहीं किया हुआ ना एक्चुअली, ये कह रहा है वो। सही है, ये इतना सा मसला था। अच्छा, ये लाइन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जी ये लाइन जो लिखी भी आ रही है, एक तो ये थोड़ी छोटी लिखी भी है, और दूसरा ये हो कि जो है ना ये रेड कलर में लिखी भी है। तो ये जो इस पर मैंने क्लास लगाया है पासवर्ड एरर, इसको मैं क्या कर दूंगा, साइन अप डॉट सी एस एस में जाके, और इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिख दूंगा कि जिससे ये लालो लाल हो जाए। ठीक है, कलर रेड, और मैं कहता हूँ कि जो इसका जो फॉन्ट साइज़ जो है ना, वो क्या हो जाए, 0.7 REM हो जाए। ठीक है, जो 1 REM का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी का साइज़ है ना उसके इक्वल, बिल्कुल 1 REM। अगर 2 REM करूँगा तो बॉडी के साइज़ का डबल, तो मैंने इसको बॉडी के साइज़ से थोड़ा छोटा करवा दिया, 0.7 REM करवा दिया, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ऐसे करके दिखने लग जाएगा, लेकिन अभी तो ये हर वक्त दिख रहा है। अच्छा, मैंने इसको कब दिखाना है? मैंने इसको दिखाना है जब पासवर्ड मैच ना हो, जब दिखाना है। ठीक है, आ जाओ फिर। कैसे होगा ये काम? साइन अप में गया, साइन अप में जाने के बाद इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो मैं पहले क्या कर दूंगा, हिडन कर दूंगा इसको। सही है ना? अच्छा, हिडन कैसे करूँगा? हिडन की भी एक क्लास मुझे लगानी होगी इस पर। सही है, मैं कहूँगा कि यार डॉट हिडन जो है ना, उसमें क्या करना है आपने, डिस्प्ले हिडन कर देना है। ठीक है, हिडन की एक क्लास बना दी मैंने, तो अब यहाँ पे आके मैं क्या लगाऊंगा इसके अंदर, एक हिडन की क्लास लगा दूंगा। अच्छा, दो क्लास कैसे लगेगी इसके ऊपर? अब स्पेस से तो लगेगी हिडन, लेकिन उसको मुझे कंडीशनल बनाना है क्लास को। ठीक है, तो मैं इस पूरे होल को मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट वाला माल बना दूंगा इसको मैं। ये जावास्क्रिप्ट है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें से पासवर्ड एरर एक फ़िक्स चीज़ होगी यहाँ पे ना, ये फ़िक्स चीज़ हो गई। ठीक है, जबकि उसके बाद जो ये हिडन वाली चीज़ है, जो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए पास करवा दूँगा। यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर के ज़रिए पास करा सकता हूँ ना मैं, तो मैं बोलूँगा कि यार अब हिडन रखना या नहीं रखना वो यहाँ पे मैं डिसाइड करूँगा। तो बजाय इसके कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर लगाऊँ। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर लगाऊँगा किस पे? किसी स्टेट वेरिएबल पे। तो बेहतर ये कि मैं एक स्टेट वेरिएबल ही बना लूँ ट्रू फॉल्स करके, या हिडन नॉट हिडन करके बना लूँ कुछ, है ना, स्टेट वेरिएबल एक बना लूँ चुप करके मैं। तो आ जाता हूँ मैं और एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि यार यहाँ पे कॉन्स्ट पासवर्ड एरर, देखो कितना समझदार है ये, खुद सजेस्ट कर रहा है। पासवर्ड एरर जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर देता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है। पासवर्ड एरर एरर, हाँ डिस्प्ले नन होता है एक्चुअली, यस। अबे वो अभी करते हैं कुछ, देखते हैं उसको। वैसे मुझे क्या करना था, मुझे विजिबिलिटी नन करना था एक्चुअली, हिडन करना था एक्चुअली। ठीक है, जिससे वो विजिबिलिटी उसकी जो है ना हिडन हो जाए। अब ये भी एक चीज़ है कि इसमें से कौन सा वाला मुझे करना चाहिए। विजिबिलिटी हिडन करने से, विजिबिलिटी हिडन करने से ये होता है कि जो है ना वो नज़र नहीं आता, बस वो डॉम पे मौजूद रहता है। ठीक है, अच्छा तो अब डॉम पे क्या मौजूद रहना चाहिए उसको या नहीं रहना चाहिए? मेरा ख्याल है शायद नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं डिस्प्ले हिडन कर देता हूँ और डिस्प्ले नन कर देता हूँ। अच्छा, डिस्प्ले नन ना आजकल ज़रा, डिस्प्ले नन ने मुझे एक दर्द दिया कुछ अरसे पहले। वो दर्द ये दिया उसने मुझे कि भाई एक एलिमेंट था उस पर मैंने लगाया डिस्प्ले नन। ठीक है, अच्छा वो था डिस्प्ले फ्लेक्स बाई डिफ़ॉल्ट। अब मैं उसको किसी बटन की क्लिक पे मैंने हिडन तो करा दिया नन करके, अब मुझे वापस उसको डिस्प्ले कराना था ना, उसमें बड़ा तंग हुआ मैं। अबे मैंने कहा यार इसको मैं फ्लैक्स करूँ या क्या करूँ। अच्छा, लॉजिक कुछ इस तरह की थी है
उसकी कि जो है ना बाई डिफॉल्ट तो वो फ्लैक्स बॉक्स था, फ्लैक्स था डिस्प्ले, लेकिन कभी वो डिस्प्ले नन के साथ साथ कभी कोई और भी एक डिस्प्ले चलता था उसका, डिस्प्ले ब्लॉक भी करता था एक दफ़ा मैं उसको। मैं अब जब नन करके मैं वापस लाऊं उसको, तो किस में लाऊं मैं, ब्लॉक में लाऊं या फ्लैक्स में लाऊं? तो ये मेरी ना स्टाइलिंग उससे फट रही थी, बिगड़ रही थी। तो फिर मुझे बहरहाल आखिर में ये समझ आया कि भाई इसमें बनेगी स्टेट मशीन। अब स्टेट मशीन पता है तुम लोगों को क्या होती है? अलग से गूगल कर लेना। स्टेट मशीन ये होती है कि किस स्टेट से किस स्टेट में ये जा सकता है ना, कि मतलब एक दफ़ा हिडन हुआ है तो जब ये शो होगा तो ये कौन से वाले पे शो होगा। जैसे ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर प्लेस हुआ तो पहले पेंडिंग होगा, पेंडिंग से अप्रूव भी हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है, दो स्टेट में जा सकता है। लेकिन वंस वो अप्रूव हो गया तो अप्रूव से वापस वो कैंसिल में नहीं आ सकता, अप्रूव से फिर वो जाएगा प्रिपेयरिंग में, प्रिपेयरिंग से जाएगा डिलीवर्ड में, है ना। तो ये स्टेट मशीन इसको कहते हैं। तो ज़रा वो वाली अप्रोच से फिर वो मसला हल हो गया। वेल तो वो शायद कहीं ना कहीं मेरे कॉग्निटिव में ना वो चीज़ फंसी हुई है। तो जो है ना नन नन लिखते ही डर लग रहा है मेरे को कि यार ये क्या लिख दिया मैंने, डर बैठ गया दिल में मेरे नन को लेके। हाँ ये वो वाली नन नहीं है वैसे, सास बहू वाली। अच्छा यार मैं ये सोच रहा था कि इस स्टेट का मैं नाम क्या रखूं। इस स्टेट का नाम ये तो नहीं रखना चाहिए असल में, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग रखूँगा तो यहाँ पे कोई क्लास नहीं होगी बाय डिफॉल्ट, ये हिडन इस पे अप्लाई ही नहीं होगा, है ना। अच्छा और मैं क्या करूँ, जब एरर हो ना तो यहाँ पे मैं उसको वो क्लास का नाम लगा दूँ, हिडन, हिडन करके स्ट्रिंग उसको दे दूँगा। इसका नाम क्या रखूँ मैं, क्या बोला तुमने? ट्रू फॉल्स तो नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं रखूँगा इसको, मैं रखूँगा स्ट्रिंग। ट्रू फॉल्स रखने में फिर मुझे नीचे टर्नरी लगाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ टर्नरी मुझे ना लगाना पड़े। तो मैं इसका नाम रखता हूँ कि पासवर्ड एरर क्लास, ठीक है। पासवर्ड एरर के क्लास का क्या नाम है वो है, और मैं इसको कर देता हूँ कि सेट पासवर्ड एरर क्लास, ठीक है। क्लास को मैं एम्प्टी करूँगा तो क्लास गायब हो जाएगी वहाँ से, क्लास में जब मैं रखूँगा तो वो आ जाएगी क्लास। अच्छा यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ कि जैसे ही ये नॉट इक्वल टू होता है ना, ना सिर्फ इसको रिटर्न करता हूँ मैं, बल्कि क्या करता हूँ, सेट पासवर्ड एरर क्लास को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं हिडन कर देता हूँ। ओ सॉरी, हिडन तो बाय डिफॉल्ट होगा ना, हिडन तो बाय डिफॉल्ट होगा वो, तो यहाँ इसका मतलब है कि इसको मुझे शुरू में हिडन रखना है। अच्छा तो यहाँ पे इसको एम्प्टी करूँगा मैं, एक्चुअली एम्प्टी करूँगा इसको मैं एक्चुअली, तो वो शो हो जाएगा। अच्छा आ जाते हैं देख लेते हैं क्या किया मैंने, ये नीचे लगा भी तो दूँ, सही है, ये मैंने सेटिंग तैयार की है भाई। ये एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है जी। जो मेरे पास कुछ इस तरह की अभी सेटिंग है कि एक इनपुट फील्ड है मेरे पास, उसके नीचे एक पैराग्राफ है जिसमें एक तो क्लास लगी हुई है पासवर्ड एरर जिसकी वजह से वो रेड हो जाता है, दूसरी क्लास लगी हुई है उसके अंदर हिडन जिसकी वजह से वो बाई डिफॉल्ट क्या है जी, हिडन है जिसकी वजह से, ठीक है। इसके अंदर बाई डिफॉल्ट हिडन की वैल्यू ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा फिर क्या होता है कि जब मेरा पासवर्ड मैच नहीं होता है समहाउ, तो मैं क्या करता हूँ इसको, इस हिडन वाले को हटा देता हूँ, तो हिडन की क्लास हटती है तो वो विजिबल हो जाता है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, अब ये पासवर्ड में जानबूझ के मैच नहीं करवाता हूँ। अच्छा ये कह रहा है कि ऊपर वाला तो दो मुझे, पासवर्ड नॉट मैच हो गया। अच्छा अब इसको पासवर्ड को मैं मैच कर देता हूँ, ट्रिपल ए ट्रिपल ए, और साइन अप मारता हूँ। अच्छा तो वो कोई दूसरा ही एरर आ गया, मतलब मेरा फंक्शन चल गया एक्चुअली, सही चल गया ना। अच्छा इसके एल्स में मैं इसको वो भी करा सकता हूँ ना, मैं सेट पासवर्ड को वापस हिडन भी करा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर अगर गलत है मैच नहीं हो रहा तो उस मैसेज को शो कराना है, अगर मैच हो गया तो हटा भी तो देना है ना उसको, ठीक है। अच्छा ये हटाने के बाद फिर लोडिंग शुरू हो जाएगी ना, लोडिंग घूम रही होगी, तो जब लोडिंग घूम रही हो तो वो मैसेज गायब हो चुका हो, बंदे को पता लग जाए अच्छा एरर वेरर नहीं है अब की बार सब सेट है, ठीक है। अभी इस लोडिंग वाला भी मैंने नहीं बनाया। अच्छा एक्जियोस डॉट पोस्ट मारा है मैंने, स्लैश साइन अप मारा, बेस यू आर एल के ऊपर स्लैश साइन अप किया मैंने। अच्छा यहाँ पे एक्जियोस डॉट पोस्ट जो है इसके साथ अवेट लगेगा क्योंकि ये प्रॉमिस है, ठीक है। यहाँ पे एसिंक लगेगा फिर, ठीक है, एसिंक लग गया, यहाँ पे अवेट लग गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और ऐसे करके करूँगा। और अब मैं यहाँ पे क्या चेक करने लगाऊँ,
अच्छा इस चीज़ को मैंने ट्राई कैच में करना है एक्चुअली, ठीक है, इसको ट्राई कैच में करूँगा क्योंकि API कॉल के दरमियान में एरर भी आ सकता है। अरे हाँ ये मैंने वैल्यू नहीं लगाई ना इसमें, लगा देता हूँ। सही है, अब ये सेट है, अब ये सेट है। हाँ असल में एरर उसने शायद इसी चीज़ का दिया था, वो कह रहा था यार ये क्या भेज दिया एग्जॉस्ट में तुमने डाल के वो कह रहा था ये तो कभी नहीं आता। अच्छा कॉन्सोल डॉट लॉग करके मैं क्या करवा देता हूँ, इस एरर को जस्ट मैं लॉग करवा देता हूँ। हालांकि असूलन मुझे क्या करना चाहिए, इस एरर आने की सूरत में स्क्रीन पे उसको बाकायदा डिस्प्ले करवाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम यह बचा लेते हैं जी। ये ट्राई कैच, ये करंट, हाँ रिटर्न मुझे लिखना ज़रूरी है। रिटर्न लिखने से क्या होगा, ये फंक्शन रुक जाएगा यहाँ, ये फंक्शन जो चला है ना ये रिटर्न देखते ही ये फंक्शन यहाँ पे थम जाएगा, रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। काम इसके बगैर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। फिर मुझे एल्स बाकी का पूरा कोड एल्स में लिखना होगा फिर मुझे, अगर मैं रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो बाकी पूरा का पूरा कोड मुझे एल्स में लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। इससे मेरा है ना ये नल चेक के तौर पर काम कर रहा है, ये पूरा बड़ा इफ़ नहीं होगा। अच्छा पूरा बड़ा इफ़ रखने में मसला क्या है, कॉल बैक हेल बनता है। पूरा बड़ा इफ़ है ना, जैसे आप देखो ये पूरा का पूरा, अगर मैं ये एल्स को मैं पूरे में रैप मारता हूँ ना तो ये पता है क्या होगा, ये एक स्टेप ऐसे हल्का सा आगे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एक आगे, यही होगा ना। दिखाता हूँ मैं, करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस एल्स को ऐसे यहाँ से कट करूँ और ये पूरे को मैं एल्स में लगा दूँ और जब मैं फॉर्मेट करूँगा ना तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, एल्स की ब्रैकेट से भी आगे हो जाएगा। लिहाजा मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ लगाऊँगा, इसको वापस पीछे लेकर आ गया। सही है, तो कोड मेरा ज़रा लीनियर फॉर्म में चल रहा होता है तो इसको मैंने एज अ नल चेक यहाँ पे लगाया है, इसको नल चेक कहते हैं इस तरह की अप्रोच को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रिटर्न कॉल किया, रिटर्न देखते ही क्या होगा, ये फंक्शन जो है ना ये रुक जाएगा यहाँ पे, आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि जब ये इफ़ ट्रू नहीं होगा तो एल्स चलेगा, तो एल्स चलने की सूरत में ये फंक्शन रुकेगा नहीं क्योंकि रिटर्न नहीं लगा था वहाँ पे। अब ये जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे उस वक्त रिटर्न को हमने डिस्कस किया होगा होपफुली, और डिटेल में डिस्कस किया होगा। हाँ नहीं, रिटर्न लिखने से फंक्शन रुक भी जाता है एक्चुअली, फंक्शन रिटर्न हो जाता है वहीं से। हाँ कुछ मैं लिख भी सकता था इसमें, मैंने ये कहा था कि अगर कोई फंक्शन कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा हो तो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, तो एक्चुअली यहाँ पे जो रिटर्न है ना ये एक्चुअली अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, लेकिन रिटर्न लिखने से वो फंक्शन वहाँ रुक भी जाता है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। एक्सप्रेस में भी हमने ये देखा था, एक्सप्रेस में भी जब हम ये लगा रहे थे ना जो टोकन वाला चेक, ये टोकन वाला चेक जो हम लगा रहे थे कहाँ गया वो, उसके अंदर भी हमने ये चीज़ देखी थी है ना, ये वाला टोकन का, कि भाई अगर ये हम करते थे यहाँ पे चेक करते थे तो नेक्स्ट कॉल करते थे हम, या तो हम, अगर वो कहाँ गया रिटर्न वाला, अच्छा वो शायद अभी कहीं आगे पीछे हो गया है। वेल तो एक्सप्रेस में भी मुझे कई जगहों पे ना रिटर्न लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब एक API कॉल ने एक राउट हिट किया, अब वो राउट चल रहा है, उस राउट को मुझे बीच में ही रिटर्न करवाना है, यानी तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड तो कर दूंगा मैं, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट सेंड करने से वो राउट पूरा चलता है आखिर तक, तो उसके लिए मुझे रिटर्न भी साथ साथ उसके लगाना पड़ता है। वेल तो मैं वापस अपने साइनअप के पेज के ऊपर आ जाता हूँ, और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा और प्रॉब्लम मौजूद तो नहीं है। अच्छा अगर मेरे पास क्या हो जाता है जी कि रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको भी कॉन्सोल करा देता हूँ। रिस्पॉन्स सही है, और रिस्पॉन्स करके मैं क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ये मैं भिजवाता था ना वहाँ से, सही है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज मैं यहाँ से भिजवाता हूँ साइन अप के रिस्पॉन्स में, ठीक है, मैसेज भिजवाता हूँ, तो साइन अप सक्सेसफुल मुझे यहाँ पर नज़र आ जाना चाहिए। अच्छा अदरवाइज़ अगर कोई एरर आता है तो उसको मुझे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली उसके लिए भी मैं क्या कर देता हूँ, एक यहाँ पे स्टेट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट अलर्ट, अरे हाँ यार अलर्ट कीवर्ड
अलर्ट मैसेज कर देता हूँ उसको। सही है, अलर्ट मैसेज मैंने कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो ये अलर्ट मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि जी सेट अलर्ट मैसेज, और ये मैंने जो भी आया था सर्वर से मैसेज वो दिखा दिया। और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, यही वाला अलर्ट मैसेज लगा देता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या बोल देता हूँ, इसके अंदर भी वही रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, लेकिन मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मुझे मिलता है एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा ना, ऐसे करके मिलता है। ठीक है, तो ज़रा दोनों काम करके देख लेते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, ज़रा इसको ट्राई मारते हैं कैसे होगा ये दोनों का दोनों। ये क्या बोल दिया इसने, अच्छा वो जो फॉर मैंने लगाया हुआ ना फॉर्म पे अपने, वो कह रहा है यार ये फॉर नहीं होगा, ये HTML फॉर होगा। आ जाते हैं इसको, सबको चेंज मार देते हैं। सही हो गया, HTML फॉर मिल गया, उसको भी खुश है। हाँ अभी सेट है, बिल्कुल खुश है ये। आ जाते हैं जी, हम क्या करते हैं इसके ऊपर एक API कॉल मारते हैं अब जल्दी से। मैंने कहा कि जी ये नाम है मेरा, ये लास्ट नेम है मेरा, और ये ईमेल है abc@abc, ठीक है, और 1234 पासवर्ड है 1234। ये क्या है यार, पासवर्ड ऐसा क्यों शो हो रहा है, पासवर्ड में मैंने टाइप टेक्स्ट लगाया हुआ है ना एक्चुअली, इसलिए ऐसा शो हो रहा है। ठीक है जी, मैंने कहा कि जी ये मेरा फर्स्ट नेम है और ये मेरा लास्ट नेम है, और मैंने कहा कि जी abc@abc.com और पासवर्ड 1234, पासवर्ड 1234 5, ताकि वो मैच ना होने वाला भी हम फिनोमेना देख लें। साइन अप का बटन दबाया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, मैच नहीं हुआ। मैं दोबारा हिट करता हूँ, ये हर दफ़ा मुझे यही देता रहेगा कि जी मैच नहीं हुआ। सही है, ये मैच नहीं हुआ। अच्छा मैं इसको दोबारा 1234 करता हूँ, और मैं जैसे ही साइन अप दबाता हूँ तो पहले ये गायब होगा, फिर लोडिंग चलेगी। ये गायब हुआ, लोडिंग चली और एरर आ गया। ठीक है एरर क्या आया यार सर्वर पे देखते हैं। अच्छा रीडिंग टोकन, रीडिंग टोकन किस खुशी में भाई। ओ एक मैंने गड़बड़ की है, वो पता है मैंने क्या गड़बड़ की है, मैंने जो API कॉल किया ना वो /API/V1 भी तो है उसके अंदर, वो तो ये है ना मेरी API एक्चुअली, ये मैंने गड़बड़ की थी। जब ही तो उसको समझ नहीं आया बेचारे को, उसने बोला यार ये क्या भेज दिया आपने मुझे। आओ अब इस API को दोबारा हिट करते हैं। ठीक है, इस API को मैंने दोबारा हिट किया, साइन अप सक्सेसफुल आ गया। ठीक है, अच्छा दोबारा जब मैं इसको हिट करूँगा, साइन अप सक्सेसफुल क्योंकि हो चुका है, तो दोबारा हिट करने पे वो यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली बात उसको बोलनी चाहिए, है ना। तो देखते हैं कि वो बोलता है कि नहीं बोलता। एरर आया लेकिन मुझे वो मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ एक्चुअली। वो मैसेज डिस्प्ले क्यों नहीं, यार वो नमाज का बोल के गए थे ना, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया यार। अच्छा एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज ऐसे है ये। ठीक है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, आओ इसको ज़रा सही कर लेते हैं। एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, यही तो लिखा है मैंने यार, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, यही तो लिखा है मैंने। ओ इसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया ना नीचे, इसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया, लिखा तो सही है बिल्कुल, इसको डिस्प्ले भी तो करवाना होगा। अच्छा ये जो बटन है मेरा, इसके नीचे मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। सही है, इस बटन के नीचे मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ अलर्ट मैसेज को, और किस में करवा देता हूँ, एक अदर डिव में करवा देता हूँ, है ना, एक अदर डिव में इसको मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। क्या बोल दिया था इसने, ये अलर्ट मैसेज, अच्छा ए इसका स्मॉल है। ठीक है हाँ, अब इसने बता दिया मुझे ये, मतलब लिखा मैंने सही था, उसको प्रिंट करवाना भूल गया था मैं। तो मैं जब भी अब इसको क्लिक करूँगा ये मुझे बोलेगा कि यार ये यूज़र तो ऑलरेडी से एग्जिस्ट है। अच्छा इसके ऊपर भी मैं क्या लगा देता हूँ, वो एरर वाली क्लासेस पे लगा देता हूँ मैं। ठीक है, पासवर्ड एरर, अच्छा इसका नाम शायद मुझे फिर पासवर्ड एरर नहीं रखना चाहिए, इसका नाम मुझे जस्ट एरर रखना चाहिए, है ना, इसका नाम जस्ट मुझे एरर रखना चाहिए, एरर मैसेज रखना चाहिए, क्योंकि एरर का मैसेज है कोई, तो मैं इस पर भी लगा सकता हूँ फिर ये क्लास एरर मैसेज। और यहाँ पे मैं CSS में जाके भी क्या कर देता हूँ, इसको एरर मैसेज कर देता हूँ, फिर ये एरर मैसेज होगा ही है।
तो अब ये क्या होता है, रेड कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ए बी सी में मैं वन लगा देता हूँ अगर, तो वन लगाने से क्या होगा फिर, ये साइन अप सक्सेस। अबे ये क्या हुआ, साइन अप सक्सेसफुल इसमें क्यों आ रहा है रेड में? अच्छा अलर्ट मैसेज में ही तो मैं वो भी करवाता हूँ, साइन अप सक्सेसफुल भी मैं इसी में करवा रहा हूँ। तो मुझे शायद एक अलर्ट मैसेज बनाना पड़ेगा, एक एरर मैसेज बनाना पड़ेगा, दो बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक मुझे अलर्ट मैसेज बनाना पड़ेगा और एक एरर मैसेज बनाना पड़ेगा, सही है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा सेट एरर मैसेज, और अलर्ट को भी मैं यहाँ शो कराऊँगा और मैसेज अलर्ट को भी शो कराऊँगा और एरर मैसेज को भी शो कराऊँगा, सही है। ओ ओ अलर्ट मैसेज मैंने एक पे लिख दिया, एक पे मैंने एरर मैसेज लिख दिया। अब अलर्ट मैसेज और एरर मैसेज में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि एक लाल होगा, एक दूसरा लाल नहीं होगा। अलर्ट मैसेज, ठीक है, ये वाला लाल नहीं होगा, साइज इसका भी वही होगा, ठीक है। आ जाते हैं जी, अब हम, अब इसमें मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 साइन अप नॉट मैच, इसको वापस मैंने 4 किया तो ये साइन अप सक्सेसफुल अभी भी लाल है, ये क्या चक्कर है यार। अलर्ट मैसेज एरर मैसेज, अलर्ट मैसेज में तो मैंने ये नहीं लगाया हुआ ना। अच्छा क्लास अभी भी गलत लगी हुई है, अलर्ट मैसेज ठीक है, काला हो गया, साइन अप सक्सेसफुल क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अच्छा अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर दोबारा हिट करता हूँ मैं, यूज़र आइडेंटिटी भी काला हो गया यार, ये क्या सीन है। चलो भाई, एक काला हो गया, एक लाल हो गया, हाँ ये हट जाना चाहिए, दोनों हट जाने चाहिए एक्चुअली, ठीक है। दोनों को हटने के लिए मुझे यूज़ इफेक्ट बनाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। यूज़ इफेक्ट बना के मुझे उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। याद है ना हमने यूज़ इफेक्ट कैसे बनाया था, मैंने कहा कि यार यूज़ इफेक्ट, और यूज़ इफेक्ट के अंदर मैंने बोला कि यार ये माल पानी है ऐसे, और मैं कहता हूँ कि यार आप कब चलोगे, मैंने ये सारे नाम बता दिए। मैंने कहा भाई अलर्ट मैसेज भी आप ऐसे होगा तो चलोगे आप, ठीक है, कॉमा एरर मैसेज भी आप होगा जब भी चलोगे, और करवाना क्या है इसने। मैंने कहा यार सेट टाइम आउट लगाओ आप, और सेट टाइम आउट के अंदर कितने सेकंड बाद इसको मैंने गायब कराना है, 5 सेकंड बाद इसको मैंने गायब कराना है। अबे यार क्या बकवास है, 5 सेकंड बाद मैंने कहा ये अलर्ट मैसेज को भी ज़ीरो कर दो, सेट अलर्ट मैसेज को भी खाली कर दो और सेट एरर मैसेज को भी खाली कर दो। सही है, यूज़ इफेक्ट लगवा दिया मैंने ये, अब जब भी इनमें से कोई भी चेंज होगा वो 5 सेकंड बाद खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ इसको कि यार अरे भाई हट जा, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4 5 साइन अप, ये 5 सेकंड बाद खुद गायब हो जाना चाहिए। नहीं हुआ, वाई इज दैट, अच्छा पासवर्ड एरर तो रहना चाहिए ना, वो तो नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। मैं साइन अप सक्सेसफुल वाला ये रहना चाहिए, पासवर्ड एरर तो मैं अलग से ख़त्म करा रहा हूँ ना, साइन अप सक्सेसफुल है ये 5 सेकंड में जाना चाहिए, हाँ ये चला गया, सही है। दोबारा एड मारता हूँ, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये भी 5 सेकंड में जाना चाहिए, ये भी चला गया 5 सेकंड में, ठीक है जी। तो फंक्शनैलिटी मेरी काफ़ी हद तक क्या हो गई है, साइनअप की कम्प्लीट हो गई है। अच्छा तो बस मेरा लॉगिन यहाँ तक हो गया कम्प्लीट, लॉगिन में कोई ऐसा आइटम तो अब है नहीं और जो हम करें, अब हम सॉरी साइनअप हमारा कम्प्लीट हो गया, अब हमने जाना है लॉगिन वाले पेज पर। तो क्या कह रहे हैं, लॉगिन वाले पेज को हम आज ही देख लें या इसको नेक्स्ट क्लास पे हम ले जाएं? अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास में फिर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई सवाल तो नहीं है साइनअप के ऊपर, जो मैंने सारे काम किए हैं इसके अंदर? अच्छा अब सुन लो आगे हमने करना क्या है, ये सुन के जाओ,
अपने आगे अब ये करना है कि इसी तरह से लॉगिन का फॉर्म बनाना है, और लॉगिन का फॉर्म जब आप बनाएंगे तो उसके एपीआई हिट होने पे हमें टोकन सर्वर से आएगा, उसको सेव कराना है फ्रंट एंड के ऊपर, और फ्रंट एंड के ऊपर सेव करा के अब हर सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट में वो टोकन साथ जा रहा होगा, ठीक है। प्लस जब वो टोकन सेव हो जाएगा मेरे पास, तो मुझे फ्रंट एंड पे मैं ये पता लगा सकता हूँ फिर कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। तो समहाउ मैंने ऐसा सेटअप भी बनाना है ना कि मेरी ऐप लोड होते ही, मेरी ऐप जैसे ही लोड हो तो मैं चेक करूँ कि बंदा इस वक्त साइन लॉगिन है या नहीं है, है ना। ऑब्वियसली क्या करूँगा, मैं यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा, पेज लोड होते ही मैं यूज़ इफेक्ट लगाऊंगा, चेक करूँगा लॉगिन है या नहीं है, और डिपेंडिंग ऑन दैट मैं क्या करूँगा, उसको या तो साइन अप से उठा के फेंकूँगा सीधा होम पेज पे, या तो होम पेज से उठा के फेंकूँगा उसको साइन अप के ऊपर में, ठीक है। तो ये इस सेटअप को हम क्या कहते हैं, ऑथ गार्ड कहते हैं। तो ना सिर्फ मैंने अब अगला क्या करना है, लॉगिन की एपीआई को इंटीग्रेट करना है रिएक्ट के फ्रंट एंड के साथ, बल्कि साथ में उसके ऑथ गार्ड भी लगाना है मैंने, ठीक है जी। चलो इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले वीक। अच्छा इतना करके आना भाई, ठीक है ना।